हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएन शर्मा, माय सेल्फ नितिन कुमार। हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट मीन फोर्थ चैप्टर हम कर रहे थे, जिसका नाम था मैसनरी। तो मैसनरी के हमने फाइव पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, आज हम करेंगे सिक्स पार्ट। तो सिक्स पार्ट में हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ मोर्टार बेस्ड ऑन बल्क डेंसिटी। ठीक है, बल्क डेंसिटी के बेसिस पे हम देखेंगे मोर्टार का टाइप। तो हमारे पास जो बल्क डेंसिटी है, बेस्ड ऑन द बल्क डेंसिटी ऑफ मोर्टार इन ड्राई स्टेट, द मोर्टार क्लासिफाइड इन टू टू टाइप्स। ठीक है, तो जो बल्क डेंसिटी है उसको हम देखेंगे ड्राई स्टेट में। तो मोर्टार के हमारे पास दो टाइप हैं, एक हमारे पास है हैवी मोर्टार, दूसरा हमारे पास लाइट वेट मोर्टार। ठीक है, हैवी एंड लाइट वेट मोर्टार। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं हैवी मोर्टार की। हैवी मोर्टार हमारे पास क्या होता है? इफ द मोर्टार हैविंग बल्क डेंसिटी ऑफ 15 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड आर मोर देन, इट इज कॉल्ड एज हैवी मोटर। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो बल्क डेंसिटी की वैल्यू आएगी, दैट मीन्स गामा की जो वैल्यू आएगी वो 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आएगी, या फिर 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से ज़्यादा आएगी, तो तब हम कहेंगे कि वो जो मोटर है वो हैवी मोटर हमारे पास है। जनरली हैवी क्वर्ट्स आर यूज एज अडल्ट्रेंस इन दिस टाइप ऑफ मोटर। तो इसमें हैवी क्वर्ट्स हम यूज करते हैं अडल्ट्रेंट के तौर पे, दैट मीन्स फाइन एग्रीगेट के जगह पे हम यूज करते हैं इसमें। ठीक है, हैवी मोटर में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे लाइट मोटर की। तो जैसे हैवी मोटर आपने देख लिया, वैसे ही लाइट मोटर है, इसमें फर्क कहाँ पे है? इफ द मोटर हैविंग द बल्क डेंसिटी ऑफ लेस देन 15 किलो न्यूटन, अगर जो इसमें हमारे पास बल्क डेंसिटी की वैल्यू अगर लेस देन 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होगी, तो तब हम इसको बोलेंगे कि हमारे पास जो मोटार है वो लाइट वेट मोटार है। ठीक है, ओके। जनरली लाइट पोरस सैंड्स, सॉफ्ट सैंड्स आर यूज। तो इसमें जो हम सैंड यूज करते हैं, लाइट पोरस सैंड यूज करते हैं एंड सॉफ्ट सैंड हम यूज करते हैं, उसमें हम यूज करते थे हैवी क्वार्ट्ज। ठीक है, इसमें हम लाइट पोरस सैंड यूज करेंगे एंड सॉफ्ट सैंड यूज करेंगे एज एन अडल्ट्रेंट। अडल्ट्रेंट दैट मीन्स सैंड की जगह पे हम इनको यूज करेंगे। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्पेशल पर्पस मोटार। ठीक है, स्पेशल पर्पस मोटार हमारे पास कुछ हैं जो स्पेशल पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। अदर देन द अबव डिस्क्राइब्ड टाइप्स देयर आर सम मोटार्स विद स्पेशल पर्पस। तो ठीक है, स्पेशल पर्पस का मतलब होता है कि मतलब उनको स्पेशल कोई हमारे पास काम होता है स्पेशली, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है फायर रेसिस्टेंट मोटार, सेकेंड हमारे पास है लाइट वेट मोटार, थर्ड हमारे पास है पैकिंग मोटार, फोर्थ हमारे पास है साउंड एब्जॉर्बिंग मोटर, फिफ्थ हमारे पास है एक्सरे शील्डिंग मोटर, देन नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल रेसिस्टेंट मोटर। ठीक है, तो इनको हम वन बाय वन देख लेंगे। फर्स्ट हमारे पास है फायर रेसिस्टेंट मोटर। फायर रेसिस्टेंट मोटर की अगर हम बात करें, फायर रेसिस्टेंट मोटर क्या होता है, तो सिंपली इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये फायर को रेसिस्ट करता है। इफ देयर इज एनी फायर वार्निंग टू द स्ट्रक्चर इन अ पर्टिकुलर जोन, मतलब मान लो किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में फायर वार्निंग है, मतलब वहां पे आग लगने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, देन वी विल गो फॉर फायर रेसिस्टेंट मोटर, तब हम यूज करेंगे फायर रेसिस्टेंट मोटर का हम यूज करेंगे। विच एक्ट्स एज अ फायर प्रूफ शील्ड, जो एक्ट करेगा फायर प्रूफ शील्ड, क्योंकि वो हमारे पास जो मोटर ही होगी वो फायर रेसिस्टेंट होगी। By adding aluminous cement to the fine powder of fire bricks, we will get a fire resistant mortar. तो fire resistant mortar बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Add करना पड़ेगा aluminous cement. ठीक है, aluminous cement add करना है to the fine powder of fire brick. तो फायर ब्रिक जो है उसमें हमने फाइन पाउडर उसमें ऐड कर लेना है एल्यूमिनियस सीमेंट का, तो हमारे पास फायर रेसिस्टेंट मोटर हमें मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास है लाइट वेट मोटर। तो लाइट वेट मोटर की मैंने पीछे भी डेफिनेशन बताई थी कि लाइट वेट मोटर क्या होता है, जिस मोटर की जो स्ट्रेंथ है 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से कम होगी उसे हम बोलेंगे लाइट वेट मोटर। ठीक है, जिसकी बल्क डेंसिटी 15 किलो न्यूटन पर मीटर से कम होगी। ठीक है, पर मीटर क्यूब से कम होगी। तो हम बात कर लेते हैं इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लाइट वेट मोटर इज जनरली यूज इन द साउंड प्रूफ एंड हीट प्रूफ कंस्ट्रक्शन। तो इसको हम साउंड प्रूफ एंड हीट प्रूफ कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं लाइट वेट मोर्टार को, इट विल बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सावडस्ट। इसको हम कैसे, मतलब हमें मिल सकता है ये लाइट वेट मोर्टार, हम सावडस्ट को यूज करते हैं या फिर गोल पाउडर और एस्बेस्टोस फाइबर और जूट फाइबर कॉइल एटसेट्रा टू द लाइम मोर्टार और सीमेंट मोर्टार। मतलब सीमेंट मोर्टार में हम इन दो तीन चीजें जो मैंने बताई इनमें से कोई एक चीज हम ऐड कर लेते हैं, जिससे कि हमारे पास जो इसका वेट है वो कम हो जाता है, मोर्टार का वेट। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट की हम बात करें वो है हमारे पास पैकिंग मोर्टार। पैकिंग मोर्टार हमारे पास क्या होता है? द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पैकिंग मोर्टार्स आर जनरली सीमेंट सैंड, सीमेंट लोम और समथिंग सीमेंट सैंड लोम। ठीक है, तो जो पैकिंग मोर्टार के कंस्टिट्यूएंट होते हैं, मतलब पैकिंग मोर्टार में क्या क्या चीजें हमारे पास होती हैं, सीमेंट सैंड उसमें हो सकता है, सीमेंट लोम उसमें हो सकता है, या फिर सीमेंट सैंड एंड लोम, तीनों चीजें इसमें हो सकती हैं पैकिंग मोर्टार में। दिस टाइप ऑफ मोर्टार इज यूज्ड टू पैक द ऑयल वेल्स। ठीक है, ऑयल वेल्स को पैक करने के लिए यूज हम उसको करते हैं। ऑयल वेल आगे मतलब जो ऑयल के कुएं होते हैं उसको पैक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। पैकिंग मोर्टार शुड बी ऑफ हाई होमोजेनिटी। ठीक है, हाई होमोजेनिटी इसकी होनी चाहिए, वाटर रेसिस्टेंट एंड हाई स्ट्रेंथ। ठीक है, इसकी जो मोटर जो होता है, इसकी जो होमोजेनिटी होती है वो हाई होती है, वाटर रेसिस्टेंस एंड हाई स्ट्रेंथ इसकी होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है साउंड एब्जॉर्बिंग मोटर। साउंड एब्जॉर्बिंग मोटर के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये ऐसा मोटर है जो साउंड को अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इट इज यूज टू रिड्यूस द नॉइस लेवल। ठीक है, नॉइस लेवल को रिड्यूस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, दैट मीन्स ये साउंड को अब्जॉर्ब करता है एंड एक्ट्स एज ए साउंड प्रूफ लेयर। ठीक है, साउंड प्रूफ लेयर ये एक्ट करता है, मतलब अगर ये लेयर हम किसी चीज पे लगा देंगे तो हमें जो साउंड है वो अंदर सुनाई नहीं देगी बिल्डिंग के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ सीमेंट, लाइम, जिप्सम और स्लैग एटसेट्रा। ठीक है, तो इसमें हम सीमेंट को यूज कर सकते हैं एज ए बाइंडिंग मटेरियल, लाइम को, जिप्सम को या फिर स्लैग को हम यूज कर सकते हैं एज ए बाइंडिंग मटेरियल यूज करते हैं। और उसके बाद जो अडल्ट्रेंट है, मतलब जो फाइन एग्रीगेट है, उसकी जगह पे हम प्यूमिस, सिंडर इसको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हम देखें, इसमें हमारे पास है एक्सरे शील्डिंग मोटर। एक्सरे शील्डिंग मोटर का मतलब हो गया कि एक्सरे जिसमें मोटर में पास ना हो उसको बोलते हैं हम एक्सरे शील्डिंग मोटर। टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट इल इफेक्ट्स ऑफ एक्सरेज, एक्सरे रूम वॉल्स एंड सीलिंग्स आर प्लास्टर्ड बाय एक्सरे शील्डिंग मोटर। ठीक है, तो एक्सरे शील्डिंग मोटर से हम प्लास्टर करते हैं जहाँ पे भी हम हमारे पास एक्सरे मशीन वगैरह होती हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो जो एक्सरेज हैं वो बाहर पास ना हो। This is a heavy type motor with bulk density of around 22 kN per meter cube. तो जो इसकी density होती है bulk motor की, वो बहुत ही heavy density bulk motors होती हैं, जिसकी density कितनी होती है 22 kN per meter cube के बीच में होती है। Fine aggregates from heavy rock, इसमें जो हम fine aggregate use करते हैं heavy rock से, and suitable admixture हम इसमें use करते हैं इस motor को prepare करने के लिए, X-ray shielding motor को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें है केमिकल रेसिस्टेंट मोटर। केमिकल रेसिस्टेंट मोटर के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि केमिकल रेसिस्टेंट मोटर क्या होता है। केमिकल रेसिस्टेंट मोटर वो मोटर होती है जिस जो हम यूज करते हैं केमिकल को रेसिस्ट करने के लिए, मतलब केमिकल अटैक उस पर ना हो, केमिकल से उसको कोई मतलब नुकसान ना हो उस मोटर को, वो मोटर को हम बोलते हैं केमिकल रेसिस्टेंट मोटर। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इट इज जनरली यूज्ड वेयर देयर इज अ चांस ऑफ केमिकल अटैक। तो जहां पे केमिकल अटैक का चांस रहता है स्ट्रक्चर पे, वहां पे हम इसको केमिकल रेसिस्टेंट मोटर को यूज कर सकते करते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रेसिस्टेंट मोटर कैन बी प्रिपेयर्ड, बट द सिलेक्शन ऑफ मोटर इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सपेक्टेड डैमेज बाय पर्टिकुलर केमिकल और ए ग्रुप ऑफ केमिकल्स। तो बहुत सारे केमिकल रेसिस्टेंट मोटर्स हम तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन हम जो वो सिलेक्ट करते हैं पर्टिकुलर केमिकल या फिर ग्रुप ऑफ केमिकल, वो हम देखते हैं कि जो डैमेज है वो किस हिसाब से है, उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, द एडिटिव्स एडिड मे नॉट रेसिस्ट ऑल द केमिकल अटैक। तो जो एडिटिव हम यूज करते हैं मे बी वो पूरे केमिकल अटैक को रेसिस्ट ना कर सकें। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं सिलिकेट टाइप केमिकल मोटर रेसिस्ट नाइट्रिक, क्रोमिक,
sulfuric and any acid damages, but it cannot prevent the structures against the damage of alkalis of any concentration. ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिलिकेट टाइप केमिकल मोर्टार है जो रिसिस्ट कर सकता है हमारे पास नाइट्रिक को, क्रोमिक को, सल्फ्यूरिक एंड अदर एसिडिक डैमेज को, लेकिन वहां पे अल्कलीज आ जाए तो वो उसको रिसिस्ट नहीं करता है. ठीक है, आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे. और अभी तक आपने चैनल को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं. थैंक यू. इफ यू लाइक द वीडियोस देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल.